हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर सही ऑनलाइन क्लास क्लास 8। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 3। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिन द टेबल। टेबल आपके पास गिवन है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स रिड्यूसेस फ्रॉम देम। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है 3.1 एक्सरसाइज का। टेबल आपके पास गिवन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो टेबल देखिए, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग बात करें, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारे पास, पेंटागॉन हो गया। तो अगर हम ये डिस्कस करें कि ईच फिगर इज डिवाइडेड इंटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ एंगल्स रिड्यूसेस फ्रॉम दैट, What can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides? Three sides के according हमने इससे पहले lecture में discuss किया था। Number of sides हमारे पास polygon में 3, तो हम formula use करते हैं। N sided angle sum of N sided पॉलीगन्स। टेबल आपके पास गिवन है, डिफरेंट टाइप के फिगर आपके पास गिवन है। जैसे फर्स्ट ट्राइंगल की बात करें, तो ट्राइंगल में हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितनी है, ट्राइंगल में 3 साइड। तो जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, एंगल सम ऑफ एन साइडेड पॉलीगन्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के अंदर 3 साइड होती है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, इट मीन्स 180 डिग्री। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। ये ट्राइंगल के लिए हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इट मीन्स 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई 180, इट मीन्स 360 डिग्री हमारे पास फाइंड होगा। तो ऐसे ही आपके पास डिफरेंट शेप गिवन है, टेबल भी आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जैसे पेंटागॉन की बात करें, तो पेंटागॉन में हमारे पास नंबर ऑफ साइड 1, 2, 3, 4, 5, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 180, इट मीन्स 540 डिग्री। तो ऐसे ही आपको, जैसे एक एग्जांपल था, टेबल आपके पास गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे ही आपको जो साइड गिवन है, नंबर ऑफ साइड 7 के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, 8 के, 10 के और n के। तो वन बाय वन देखते हैं। ए पार्ट, एंगल सम ऑफ n साइडेड पॉलीगन, जैसे हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूला है हमारे पास n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। ए पार्ट में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ साइड n इक्वल टू 7 है हमारे पास, तो 7 पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो हमारे पास आएगा एंगल सम ऑफ 7 साइडेड पॉलीगन इज 7 माइनस 2, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाई 180, इट मीन्स 900 डिग्री आंसर। ऐसे बी पार्ट को डिस्कस करते हैं हम। बी पार्ट में हमारे पास साइड कितनी है, 8, तो आ जाएगा हमारे पास एंगल सम ऑफ 8 साइडेड पॉलीगन, पॉलीगन इज 8 माइनस 2, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। अब देखिए, 8 में से 2 माइनस करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 180, तो कैलकुलेट करके फाइंड कर लें, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 8 6 जा 48, 4 10, 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10, 1080 डिग्री। ऐसे सी पार्ट में हम फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ साइड हमारे पास कितनी, 10, तो हम राइट करेंगे एंगल सम ऑफ 10 साइड पॉलीगन
इज एन की वैल्यू क्या होगी अभी 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। अब देखिए 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 मल्टीप्लाई 180 देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 8 8 का 64 6 कैरी 8 बन गया 8 प्लस 6 14 तो यह 1440 डिग्री आंसर। लास्ट में हमारे पास बी पार्ट एन साइडेड। अब देखिए एन साइडेड के लिए तो कुछ फॉर्मूले होते हैं, एंगल सम ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज डायरेक्ट फॉर्मूले हो जाएगा, साइड हमारे पास एन है, एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री आंसर। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करने की गिवन फिगर है आपके पास। अब देखिए 1 2 3 4 ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, तो एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल यूज करेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल। ये कितना होता है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। फॉर्मूला होता है ना हमारे पास n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल में n हमारे पास क्या है 4, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 2 मल्टीप्लाई 180 इट मीन्स 360 डिग्री। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल है, एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है, वी नो दैट। अब यूज करेंगे देखिए सम ऑफ एंगल्स इट मीन्स 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, ये किसके इक्वल होगा 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमने क्या किया एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की 1 2 3 4 जो हमारे पास एंगल्स हैं इनका सम 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए प्लस करिए 130 प्लस 120 प्लस 50, रफ में प्लस करेंगे 130 प्लस 120 प्लस 50, 0 का 0 5 प्लस 2 7 7 प्लस 3 10 1 कैरी 300। तो यह आया हमारे पास 300 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब वी नो दैट ये कांस्टेंट है 300 डिग्री, प्लस का RHS में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इट मीन्स x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। 360 में से 300 डिग्री माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 60 डिग्री का, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 60 डिग्री फाइंड दैट इज। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट था, तो बाकी के पार्ट्स हम इसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, लेकिन आपको बस नंबर ऑफ साइड याद होनी चाहिए। नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आप ये यूज करें एंगल सम प्रॉपर्टी और टोटल एंगल फाइंड करके आप किसी भी की एक्स की वैल्यू आप चाहे क्वाड्रिलेटरल हो चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो तो आप फाइंड इजीली कर सकते हो।